सालाना उर्सपा कमेटी के 4 दिवसीय आयोजन में निर्णायक मंडल द्वारा झांकी चादर निकालने वाले समितियों को पुरस्कृत किया गया। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली की 70वें उर्स पाक के मौके पर हुए 4 दिवसीय आयोजन में कमेटी के निर्णायक मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी झांकी चादर और उर्स पाक के दौरान सेवा कार्य किए जाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह परिसर में निर्णायक मंडल द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा, उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा, दरगाह अध्यक्ष रज्जब अली, राजू भाटिया के हाथों पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही इस अवसर पर समिति के रऊफ कुरैशी, यूनुस पटेल, पाशी अली, असलम खान सहित अन्य लोग यहाँ पर शामिल रहे। सालाना उर्स पाक कमेटी के द्वारा 71वां उर्स पाक का आयोजन किया गया, बहुत ही सफल रहा। न केवल हमारे दुर्ग, भिलाई, रायपुर, पूरे प्रदेश से अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ आकर बाबा साहब के चरणों में नमन किया। इसलिए नमन किया कि जो बाबा हैं उन्होंने हमेशा इस बात का संदेश दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब हैं भाई भाई, और कौमी एकता की जो मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की है वह हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। और जिन्होंने इस दरमियान, उर्स पाक के दरमियान संदल, झांकी, चादर जो चढ़ाई, उन्हें पुरस्कृत किया गया, इसको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों ने इस बात को सराहा है कि ऐसा जो आयोजन हुआ वह सचमुच ही तारीफ़ काबिल था। मैं इसके लिए अध्यक्ष प्रकाश देशदरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो कौमी एकता की मिसाल पेश की है बाबा की भावनाओं के अनुरूप, हमारे राजू भाटिया जी, पप्पू भाटिया जी और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, रऊफ कुरैशी जी, हमारे रजब भाई और पीयूष देशदरा जी, हमारे सभी जितने सदस्य हैं पूरे कमेटी के, क्योंकि कमेटी में से सब जुड़े रहते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी इस परंपरा को, सद्भावना की, एकता की, भाईचारा की परंपरा को उन्होंने बाबा के आशीर्वाद से मोहर लगाई है। धन्यवाद। बता दें, सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा लगातार 71 वर्ष से उर्स का आयोजन करते आ रही, जिसमें 3 दिन देश के मशहूर कव्वालों द्वारा शानदार कव्वाली का आयोजन किए जाने के साथ दरगाह में चादर पोशी करने शहर भर से विभिन्न समिति द्वारा झांकी भी बनाकर लाई जाती है, जिसे उर्स कमेटी के निर्णायक मंडल द्वारा बेहद आकर्षक व सुंदर झांकियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान देकर पुरस्कृत किया जाता है। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह का ये 71वां उर्स मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी हमने निर्णायक मंडल के निर्णय अनुसार उन कमेटियों को पुरस्कृत किए जो कौमी एकजहिता और खूबसूरत चादर और एक संदेश आपसी भाईचारे का, प्रेम का जो दिया जा रहा था वो उन्हें निर्णायक मंडल के निर्णय अनुसार सम्मानित भी किया गया, पुरस्कृत भी किया गया। ये परंपरा हमारी शहर की एक सालीन परंपरा है और इसे हम एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। बाबा अब्दुल रहमान शाह काबली की बारगाह में न केवल मुसलमान बल्कि सारे धर्मों और संप्रदाय के लोगों की आस्था और श्रद्धा है। हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी लगातार कार्यक्रम में पूरे जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग तो रहता है, मगर हमारे दुर्ग शहर की प्यारी जनता इस 4 दिवसीय उर्स मुबारक पर ऐसा सहयोग, अविस्मरणीय सहयोग करती है कि अन्य प्रांतों से आए हुए लोग इसकी तारीफ करते हैं। ये दुर्ग बेमिसाल है, प्रेम और मोहब्बत का पैगाम देने वाला शहर है और इस शहर के अंदर हम लोग आपसी भाईचारगी के साथ रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मन मुटाव नहीं है। पूरे धर्म के लोग इस उर्स मुबारक में शामिल होते हैं, ये बहुत खुशी की बात। अब तो मैं बताऊं कि छिंदवाड़ से गंभीर सिंह जी ठाकुर आते, पूर्व विधायक हैं, पूरे 40-50 लोग आते हैं, नंगे पैर पैदल चलते हैं और उनकी चादर पहले चढ़ती है क्योंकि उनका यहाँ पर जो है काफ़ी आस्था है, श्रद्धा है। इसी प्रकार से अन्य प्रांतों के लोग भी आते हैं, बाकायदा यहाँ फैज पाते हैं, मन्नतों मुरादों की झोली भरते हैं। ये बाबा सरकार का करम है और हमको सबका सहयोग मिलता है, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पत्रकारों का, कोई भी ना नहीं बोलता बाबा के नाम से और वो हमको मदद करते हैं और इसलिए हमने आज
कुछ सम्मानित लोगों को भी सम्मानित किया है ताकि उनका लगातार जो है हमको सहयोग प्राप्त होता है। हम ऐसे लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आप तमाम लोगों के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और दुर्ग शहर की जनता को सालाना उत्पाद कमेटी की ओर से भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस मौके पर सालाना उत्पाद कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलाला ने बताया कि 26 वर्षों से वे सालाना उत्पाद कमेटी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं, मगर इस वर्ष जितनी भीड़ बाबा के चाहने वालों की नजर आई पिछले वर्षों में कभी नजर नहीं आई। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अन्य जगहों से पहुंचे बाबा के चाहने वालों का आभार भी दिल से जताया। उत्पाद तो 71 साल से चला आ रहा है और मैं तकरीबन 40 साल से इस कमेटी में सालाना उत्पाद कमेटी में जुड़ा हूँ और सन 1998 से लगातार 26वां वर्ष है मेरे को अध्यक्षता का दायित्व निभाते हुए। लेकिन मैंने 26 साल में इतनी भीड़, इतना पब्लिक का उत्साह, इतना संदल, इतनी चादर आज तक कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है बाबा के हम पर इतनी कृपा है कि इतनी भीड़ होने पर कि आदमी जहाँ पे पैदल भी नहीं चल सकता, दरगाह का जो प्रोसेस प्रांगण है उसको छोड़ के, कवाली का प्रांगण छोड़ के आम शहर में जितनी भीड़ रहती है, इतना सब होने के बाद भी जो एक भी हादसा नहीं होता, एक भी लड़ाई झगड़ा ये नहीं होता, ये सबसे बड़ी देन है दुर्ग शहर की और बाबा की कि इतना सब होने के बाद भी कहीं पे कोई विवाद नहीं होता और हर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई इसको समझते हैं कि ये हमारा त्यौहार है, हमारा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में तन मन धन से सहयोग करते हैं। और सिर्फ इसके कारण और हमारे उत्पाद कमेटी के सारे सदस्यों की मेहनत के कारण हर साल हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं और बाबा ने चाहा तो अगले साल हम और इससे अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आम जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि आपसी भाईचारे से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, ये ना सोचें कि हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, हम सब इंसान हैं और इंसान भाई भाई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।